कि मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर है और सर पीजीआई से मैं उनका इलाज करवा रही हूँ, लगभग साल भर होने जा रहा है सर। बाकी मेरे हस्बैंड का तो टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस था, वो तो जब बिस्तरे पे समझिए जब बीमार हुए सर तो तभी से प्रॉब्लम्स आने लगी, तो सर हम लोगों को फिर उसको बेचना पड़ गया। लगा एक समय कि नहीं बिल्कुल मतलब मेरा ख़त्म हो गया सब कुछ, लगा कि जीवन एकदम ख़त्म। हस्बैंड भी सर बहुत ज़्यादा हिम्मती है, उन्होंने मेरा इतना हौसला बढ़ाया कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। इसके अलावा कोई जरिया नहीं है सर, दुकान बिक चुकी है, मेरी दुकान हट चुकी है और मेरी गाड़ियाँ बिक चुकी हैं सर, तो आप समझ सकते हैं कि कोई जरिया नहीं है। और सर मैंने ये किया क्योंकि मुझे कुछ करना था, मुझे लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना था। सर कमाने वाले मेरे हस्बैंड ही थे, मैं भी अपना शॉप अभी जल्दी डाली थी पार्लर का, साल भर हुआ था और तब तक इनकी तबीयत ख़राब हो गई। सर तबीयत ख़राब हो गई तो बिल्कुल समझ लीजिए इनके पीछे मुझे सब कुछ अपना छोड़ना पड़ गया है। तो हम पहुँच गए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसियाना इलाके में और हमारे साथ आप देख रहे हैं बगल में एक स्कूटी है, स्कूटी पर इटली सावर लगा हुआ है, 40 रुपये प्लेट लगा हुआ है और ये है रेणु जी। रेणु जी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल हैं, हमने भी सोचा कि एक बार चल के इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ है। ये जो इडली सांभर अपनी स्कूटी पे घर से लाकर बना करके यहाँ बेच रही हैं, इसके पीछे उनकी क्या रुचि है और क्यों अब वो बेच रही हैं, तो इन सब सारे सवाल हैं जो इनसे हम बात करेंगे। तो आइए एक बार बात करते हैं। रेणु जी, क्या ऐसा आप शौक के लिए ये कर रही हैं या कोई मजबूरी है, क्या है? क्योंकि हम कई दिन से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तमाम सारी बातें वायरल हो रही हैं, क्या है आपका जो इस स्टॉल को लेकर के जो आपने स्कूटी पे आकर के और बड़ी इटली और सांभर बेच रही हैं? सर पहले तो सबको नमस्ते मेरे ओर से। और सर मेरा ये शौक नहीं है, कभी कभी शौक भी ऐसे में करना पड़ जाता है। सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर है और सर पीजीआई से मैं उनका इलाज करवा रही हूँ, लगभग साल भर होने जा रहा है सर। तो सर कमाने वाले मेरे हस्बैंड ही थे, मैं भी अपना शॉप अभी जल्दी डाली थी पार्लर का, साल भर हुआ था और तब तक इनकी तबीयत ख़राब हो गई। सर तबीयत ख़राब हो गई तो बिल्कुल समझ लीजिए इनके पीछे मुझे सब कुछ अपना छोड़ना पड़ गया है, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं, मेरे देवर सिर्फ है, मेरे सास ससुर है नहीं। तो देवर भी भाई अपने काम धाम पर लगे हैं, कितना दिन कोई साथ देगा। और सर उसके बाद साल भर तो हमने जैसे न तैसे करके अपना सब कुछ दाव पर लगा के हम इलाज करवाएँ सर, लेकिन सर अब बात आ गई बच्चों के करियर की, पढ़ाई लिखाई खाना पीना हर चीज़ सर, रखा पैसा कब तक चलेगा सर। मुझे लगा कि सर मुझे कुछ करना चाहिए, तो सर मेरे दिमाग में ही आया कि मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सर मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था कि मैं बड़े स्टेज पे कोई भी कुछ भी कर पाऊँ। मुझे लगा यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ और बाकी ऊपर वाला साथ अगर दे तो हो सकता है आगे। पार्लर क्यों बंद कर दिया, उसमें क्या ऐसा हो गया था? सर पार्लर रीज़न ये है कि हस्बैंड को मेरे एडमिट हुए मतलब 3 महीने लगभग हो गए थे लगातार, बिल्कुल सर। अब मैं लगभग 8 किलोमीटर, मेरा घर पीजीआई से पड़ता है सर, सुबह शाम दोनों टाइम आना जाना मेरा होता था, घर में मेरे छोटे बच्चे थे सर। मैं जान लीजिए कि स्टार्टिंग में जब कोई नहीं था हेल्प के लिए, क्योंकि मेरे घर में कोई लेडीज़ है नहीं सर, मैं ही हूँ, तो सर बच्चे मेरे थे 3 बच्चे, उनका पढ़ाई लिखाई उस समय चल रहा था सर, तो बच्चों को सर खाना बनाना खिलाना, उसके बाद यहाँ से टिफ़िन पैक करके हस्बैंड के लिए ले जाना, वहाँ रात भर वहाँ रहना, फिर सुबह 6 बजे वहाँ से ऑटो पकड़ना, 6 नहीं सर 6:30-7 बजे तक जब जैसे ऑटो मिल जाए, मतलब मुझे घर पे पहुँचते पहुँचते सर सब मिला के 11 बज जाता था, फिर बच्चे को स्कूल से ले के आ के उसके बाद घर का काम निपटा के अपना बच्चों को खाना बनाती थी खिलाती थी, फिर शाम की तैयारी करके शाम का खाना बना के उसके बाद इनका लंच डिनर पैक करके हस्बैंड का बच्चों को खिला पिला के थोड़ा बहुत खाना एक्स्ट्रा बना के फ्रिज में रख के सर जाती थी, ताकि बच्चे सुबह उठ के खा के वही स्कूल चले जाएँ सर। तो सर मेरी कुछ कहानी ऐसी ही है सर, अभी तो बहुत है बट मैं क्या बताऊँ सर, मैं बता नहीं सकती हूँ, समझ सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं। नहीं तो ये आपने कब सोचा कि भाई इडली सांभर आप बना सकते हैं आसानी से बेच सकते हैं, तो ये आपने सोचा, और भी काम सोच सकते थे ना? सर बिल्कुल सोच सकते थे सर, जॉब के लिए भी काफ़ी ऑफर आए, बट सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब इनका लगभग इलाज कंप्लीट होने वाला था उसके बाद सर जब घर छुट्टी हो गई इनकी, तो इनको हर दूसरे दिन मुझे पीजीआई ले जाना था सर, तो पीजीआई ले जाने के लिए सर कोई ना कोई तो चाहिए सर, अब मैं किसके ऊपर इनको छोड़ देती, तो सर मुझे ही लेके जाना आना पड़ा, तो सर मैं हर दूसरे दिन इनको ले जाते समय पार्लर तो मेरा था ही सर, बट मैं समय नहीं दे पाई, कस्टमर भाई कस्टमर का जब मन होगा तब आएंगे, हमारे बुलाने भी थोड़े आएंगे, तो सर ऐसे करते करते मेरा पार्लर भी मुझे बंद करना पड़ गया।
बाकी मेरे हस्बैंड का तो टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस था, वो तो जब बिस्तरे पे समझिए जब बीमार हुए सर तो तभी से प्रॉब्लम्स आने लगी, कहीं गाड़ियों में प्रॉब्लम तो कहीं ड्राइवर्स प्रॉब्लम करने लगे। तो सर मुझे हम लोगों को लगा कि रोड टैक्स वगैरह भी बढ़ते जा रहा है, तो सर हम लोगों को फिर उसको बेचना पड़ गया सर, आगे पीछे करके दोनों गाड़ियों को निकालना पड़ गया सर। उसके बाद हम कह सकते हैं कि सारा बिजनेस था, तमाम सारी चीज़ें थी वो सब, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ख़राब होना, उनका कैंसर होना, वो सब समाप्त हो गया उस चीज़। हाँ सर बिल्कुल सब लगभग। अब आज के समय में यही इतना है जो आपको? हाँ, सर बस मेरा यही है, यहीं से अब मुझे उठना है सर, क्योंकि मैं बहुत झेल चुकी, झेलूँगी, झेलना तो नहीं कहूँगी सर, ठोकर लगने के बाद ही आदमी संभलता है, तो मुझे लगा कि मैं अब यहाँ से ग्रोथ करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे अंदर इतना वो है कि मैं कर सकती हूँ सर। अक्सर होता है कि जब कभी कोई बड़ी मुसीबत आती है, कोई बड़ी समस्या है, तो महिलाएं टूट जाती हैं, लेकिन आपने अपना हौसला संभाला और आज आप खड़ी हैं। सर हौसला संभालने वाली बात नहीं सर, क्योंकि मैं एक लेडीज़ हूँ, हर लेडीज़ों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है, बट सर लगा एक समय कि नहीं बिल्कुल, मतलब मेरा ख़त्म हो गया सब कुछ, लगा कि जीवन एकदम ख़त्म, बट सर तीन मेरे बच्चे हैं, बच्चों का देख के प्लस परिवार को देखना, उसके बाद मैं अगर कुछ उल्टा सीधा कर लेती या नहीं करती तो मेरे हस्बैंड को कौन देखता सर, मेरे घर में कोई है नहीं सर देखने वाला, अब मायके वाले कितना दिन संभालेंगे, फिर भी मायके वाले आज तक साथ मेरा देते आ रहे हैं, अगर वो लोग साथ नहीं देते तो मैं कब का परिवार के साथ सुसाइड कर ली होती सर। बट ये है कि मेरे हस्बैंड भी सर बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, उन्होंने मेरा इतना हौसला बढ़ाया कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और आप लोग किसी भी रीज़न से यहाँ पर आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। हस्बैंड की क्या स्थिति है अभी, चल फिर पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर, साल भर मैंने जो मेहनत किया वो रंग लाई है सर, मेरे हस्बैंड चलना फिरना उठना बैठना, यहाँ तक कि मेरा हेल्प भी करना चाहते हैं, जो ये सब मैं करती हूँ उसमें जो उनसे बन पड़ता है वो करते हैं सर, ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बिस्तरे पे हैं, लेकिन सर हाँ ये है कि तकलीफ़ तो है उनको, लेकिन वो तकलीफ़ को मानना नहीं चाहते, मतलब जाहिर नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं कि हम बीमार नहीं हैं, अपने आप को हमेशा कहते हैं हम बीमार नहीं हैं, जाहिर नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं। और कमाई का जरिया कोई है नहीं, इसलिए आप ही ये जो अपना ये यहाँ पे अपना शुरू किया इटली साबर का, इसके अलावा कोई कमाई जरिया है? कोई जरिया नहीं? नहीं सर, इसके अलावा कोई जरिया नहीं है सर, दुकान बिक चुकी है, मेरी दुकान हट चुकी है और मेरी गाड़ियाँ बिक चुकी हैं सर, तो आप समझ सकते हैं कि कोई जरिया नहीं है। और सर मैंने ये किया क्योंकि मुझे कुछ करना था, मुझे लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना था, मुझे खुद से करके कमाना था, मैं कम कमाऊँ ज़्यादा कमाऊँ मुझे अपने मेहनत का चाहिए था सर, तो सर मैं यही सोच के मुझे लगा कि यही करना चाहिए, तो सर मैंने स्टार्ट किया, 6 महीने से सर कर रही हूँ लगभग। क्या लग रहा है इससे कुछ हो पाएगा आपको लगता है? इससे कुछ सर कुछ हो पाए या ना हो पाए, ये है कि मैं अपना परिवार इसी से चला रही हूँ सर। और रहा ट्रीटमेंट किन के बाद, तो सर वो तो आप ही सोच सकते हैं कि इतना मैं इकट्ठा नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग बिल्कुल मान लिए थे दोनों लोग कि करवा नहीं पाएंगे हम लोग, तो सर बस यही है, आज भी हम लोग यही सोच रहे हैं कि मतलब क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि मेरे बच्चे दो जगह हैं सर, एक बच्चा मेरे पास है, दो बच्चे मेरे मम्मी के पास है, तो मैं चाह रही हूँ मेरी फैमिली एक साथ। हाँ सर मेरी फैमिली एक साथ है, छोटा बच्चा मेरा 5 साल का। कभी रिश्तेदारों ने जान पहचान वालों ने कहा होगा अरे आप क्या कर रही हैं ये नहीं करना चाहिए आपको, कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा, ताने भी सुनने को मिलते होंगे? सर मैं किसी को बताई नहीं सर, मैं किसी को नहीं बताई, मैं शुरुआत कर दी हूँ इसका, अब पता चल रहा है लोगों को, तो अभी भी मेरे पास कॉल वगैरह नहीं आ रहा है कुछ, मतलब ऐसा नहीं है, धीरे धीरे पता सबको चल रहा है, मेरे पापा भी सुने तो काफ़ी मतलब वो हुए थे थोड़ा सर, हम जहाँ से आते हैं आजमगढ़ से वो गाँव एरिया है, तो लोग थोड़ा दूसरे टाइप के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी, लोग समझेंगे मेरी मजबूरी कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाह रही था, मैं सोचती हूँ कि कोई भी लेडीज़ हो कोई भी लड़की हो कोई भी हो, सबको खुद पे इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि खुद से कुछ करे, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ ये ना सोचिए कि आप ज़्यादा कर रहे हैं कम, जो भी करिए करिए ईमानदारी से करिए, बाकी ऊपर वाला साथ देने के लिए कोई भी है, डट के मुकाबला करिए, बिल्कुल सर डट के मुकाबला करिए, और आपको अगर लग रहा है कि मैं साल भर से सर यहाँ पर हूँ हस्बैंड को लेके प्लस ये कर रही हूँ, तो ये जानिए कि यही सोच के आप लोग करिए, क्योंकि मुझे देख के काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरे जरिए किसी और का भी भला हो रहा है, तो मुझे खुशी है सर। आजमगढ़ से कब आए आप लोग? सर मेरा मायका आजमगढ़ है, ससुराल लखनऊ ही है सर। ससुराल लखनऊ? हाँ सर। तो यहाँ आने के बाद अभी 1 साल पहले पता चला आपको कि हस्बैंड की स्थिति है, कब पता चला आपको? सर 1.5 साल पहले से इनकी तबीयत ख़राब थी सर, बट 6 महीना तो मैं इधर उधर के चक्कर में रह गई सर, इनका रोग भी बढ़ गया सर, और उसके बाद में पता चला कि इनको बोन मैरो करवाना है, डॉक्टरों ने बोला,
तो सर बोन मैरो के लिए उन्होंने कहा कि या तो आप लखनऊ पीजीआई दिखाइए या तो बनारस। तो सर मुझे लखनऊ, क्योंकि मेरा ससुराल था, घर था मेरा यहाँ, तो मुझे लगा कि सर अपने घर से करना ज़्यादा बेटर होगा, तो मैं सर यहीं पर ले आई। उसके बाद महीने भर थोड़ा हाथ पर मारना पड़ा, इतना जल्दी तो पीजीआई में एडमिशन सर होता नहीं है, लेकिन हो गया सर, हो गया। उसके बाद 2-3 महीने लगभग, 2.5 महीने लगभग एडमिट थे सर। उसके बाद फिर छुट्टी हुई, फिर 10 दिन बाद फिर मुझे एडमिट करना पड़ गया। तो सर यही है सर, चल रहा है सर। तो ये रेनू है, इन शादी के कुछ साल बाद पता चला कि हस्बैंड को ब्लड कैंसर है, तो जो हस्बैंड का बिजनेस था वो भी ख़त्म हो गया, इनका ब्यूटी पार्लर था वो भी बंद करना पड़ा, और क्योंकि हस्बैंड के इलाज को लेकर के कोई और देखने वाला नहीं था तो इनकी ही देखभाल पूरी की थी, तो लगातार उसमें व्यस्त नहीं, इसकी वजह से इनका पार्लर भी बंद हो गया। अब एक ये आप देखिए एक साधन है, जरिया है जो कमाई का है, ये सुबह स्कूटी से निकलती हैं और उसके बाद आती हैं यहाँ पर, ये इडली सांभरे बेचती हैं, उसके बाद यहीं से जो कमाई होती है उससे घर परिवार और पति का इलाज कर रही हैं। बात करते ही आँखों में आंसू आ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि चेहरे पे कितनी उदासी है, कितना दुखी है, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत बांध कर और डटी हुई हैं, इतनी बड़ी मुसीबत से लड़ाई लड़ रही हैं। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।